वीडियो देखने वाले सभी ने राम राम। वीडियो देखने तो आप आ गए होंगे, परंतु उससे पहले आपको मेरे चैनल पर जाना है और मेरी वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, इसको आपको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देनी है, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माई न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने अपने हाथों से बनाया था, और वो भी घर पर नहीं, मैंने स्कूल में बनाया था। 26 तारीख चौथा महीना, मतलब इससे पहले महीने में मैंने ये चार्ट बनाया था और मुझे आज जाकर ये चार्ट मुझे मिला। देखो, क्योंकि मैं अगले दिन स्कूल में नहीं जा पाया और मेरे एक दोस्त ने ले लिया था, उस दोस्त से मैं अभी लेकर आया हूँ, बिल्कुल अभी अभी। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसा मैंने क्या बनाया था। आपने पहले वाली वीडियो में देख लिया होगा कि मैंने स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन की वीडियो भी डाल रखी है। यदि नहीं देखी है तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मेरी इंस्टा आई डी का भी, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और सबसे पहले मैं इस चार्ट के बारे में नहीं बताता, सबसे पहले मैं आपको इंस्टा के बारे में बता देता हूँ। एक अलग से मैं आपके लिए वीडियो भी लेकर आऊँगा। आजकल इंस्टा पर एक ट्रेंड चला हुआ है ब्लू टिक का, आप ब्लू टिक ले सकते हो, परंतु उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए मैं शाम को एक वीडियो बनाऊँगा जो कल अपलोड होगी इंस्टा के लिए, क्यों फ़ायदेमंद नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है ख़रीदने का। और शाम जो कल जो आया तो शाम को 6 बजे वीडियो आएगी, वह या सुबह 8 बजे या 9 बजे वो वीडियो आ जाएगी आपके पास। क्यों नहीं है तो आप उसे ध्यान से देखिएगा और उसमें मैं आपको हर एक चीज़ क्लियरिटी से बताऊँगा। यदि मैं बना सका तो, यदि मुझे टाइम लग गया ना, तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, पक्का मैं भी कह नहीं रहा हूँ, क्योंकि क्या पता टाइम लगे ना लगे। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं, हमारा चार्ट है मुद्दा आज का। तो चलिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बना रखा है। तो चलिए चार्ट को, अरे यार ये तो उल्टा है, चलो कोई ना, मतलब सीधा है। तो यहाँ पर सरों ने मुझे गुड भी दे रखा है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ गुड स्टार, वेरी गुड। ये मैंने नहीं दिया है, हमारे स्कूल के सर ने दिया था। तो ये है भगत सिंह की पिक्चर गाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर बना रखी है मैंने भगत सिंह की पिक्चर। इसको मैं अपने स्टूडियो में लगाने वाला हूँ इसे, और देख सकते हो गाइस कितना अच्छा लग रहा है ये भगत सिंह। यहाँ पर नीचे मैंने लिख रखा है भगत सिंह, यहाँ पर एक जेल बना रखी है बिल्कुल ओरिजिनल, जैसा मैंने ये बना रखा है, जैसे कि आपने देखा ही होगा। तो गाइस, चार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आप किसके फैन हैं आप वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपका कौन सा फ़ोन अच्छा लगता है, कौन सा मोबाइल आप यूज़ करना चाहते हो, उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। कई भाई कहते हैं कि यार DSLR से वीडियो अच्छी बनती है, तो भाई ज़्यादा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। DSLR भाई 40-50 हज़ार रुपये करता है, वो कोई फ़ायदा नहीं है। कई भाई ये सब्सक्राइब होते नहीं है, DSLR लेकर घूमते रहते हैं, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले सब्सक्राइब ये करो, अच्छी अर्निंग करो, उसे अच्छे यूज़ में लेकर आओ, उसके बाद यदि आपके पास एक्स्ट्रा हो तो आप ऐसे ऐसे कैमरे होते स्टैंड और जो भी मतलब महंगे महंगे से करते हैं स्टूडियो के लिए। मैं भी अपना धीरे धीरे स्टूडियो कवर करूँगा, अभी मैं ब्लू बुक लेके आया हूँ, जैसे कि आपने देखा भी होगा वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। इंस्टाग्राम पर जिस भाई ने नहीं किया फॉलो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम पर एक से एक अर्निंग से रिलेटेड और बहुत ज़्यादा यूट्यूब से रिलेटेड आप मुझे, तो यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पर कई देर से शुरू हो रही होगी नीचे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ मेरी इंस्टा आई डी पकड़ो हम ब्लॉग के नाम से, और जो मेरी फेसबुक आई डी है वो है जाट के नाम से, आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं, गुड बाय।